आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यज्ञ सर क्लासेस में। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट आप लोग सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। और आपको सिंपली जाना है यूट्यूब पर, और क्या लिखना है, यूट्यूब पर जाके आपको यज्ञ सर लिखना है। और जैसे ही आप यज्ञ सर लिखेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर, आपको एक चैनल ओपन होकर दिख जाएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ रेगुलर बेसिस पर जनरल स्टडीज और हिंदी की क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है gs@hindibhaiyagisar के नाम से है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे आ चुके हैं। और आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आप इस चैनल पे ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कह रहा है, सूची फर्स्ट को क्या करिए, सूची सेकंड के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2012 के 20 क्वेश्चंस हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री में भी आप आईबीसी पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और सेकेंड को आप क्या करिए, फर्स्ट और सेकेंड सूची में जो आपकी दिए गए हैं इसको आप सुमेलित करके आंसर बताइए। फटाफट आप कमेंट करिए कि आंसर आपका क्या सही होगा। फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को शेयर करने के साथ आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर से क्या सही होगा। ध्यान दीजिएगा, चलिए हम आंसर करते हैं। मांडा की अगर हम बात करें तो मांडा कहाँ पड़ता है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर मांडा की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर के अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अखनूर डिस्ट्रिक्ट में मांडा पड़ता है। और मांडा है क्या, तब आप ध्यान रखेंगे ये आईबीसी का क्या है, आईबीसी का सबसे उत्तरी स्थल है। ये क्या है, आईबीसी का सबसे उत्तरी स्थल, यानी आप कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए नॉर्दर्न साइट ऑफ आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तब आपको आंसर करना है मांडा। मांडा किस स्टेट में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब अगर हम बात करें, इसके आगे कि किस नदी के किनारे पड़ता है, तब आपको ध्यान रखना है ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा प्लेस, ये आपका मांडा जो पड़ता है ये किस नदी के किनारे पड़ता है, तो मांडा ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे क्या है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दैमाबाद की अगर बात करेंगे तो दैमाबाद प्लेस कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा प्लेस, दैमाबाद की बात कर रहा हूँ, दैमाबाद ऑन द बैंक ऑफ प्रवरा रिवर। दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, अगर हम बात करें आईबीसी का सबसे दक्षिणी स्थल, आईबीसी का सबसे दक्षिणी स्थल की अगर बात करें, यानी सदर्न साइट ऑफ आईबीसी की अगर बात किया जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, तब आपको याद रखना है दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा को आपको राजस्थान के साथ मैच कराना है। कालीबंगा राजस्थान में है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कालीबंगा से आपको क्या मिले हैं, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले हैं, यानी प्लोइंग फील्ड के साक्ष्य भी आपको यहीं से मिले हैं। और साथ ही साथ एक साथ दो फसलों के बोए जाने के प्रमाण भी कहां से मिले हैं, यहीं से आपको मिले हैं। और राखीगढ़ी की बात करेंगे तो राखीगढ़ी कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इस तरह आप मैच कराने आएंगे तो पहले का तीसरा ऑप्शन होगा। पहले का तीसरा कहां दिया है भाई, पहले का तीसरा सी विकल्प में आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। और यही आपका क्या बनेगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखिए आपके सामने है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। और यहां मैं आपको बता दूं वैदिक एज की कुछ रिवर के नाम दिए, वैदिक एज की या वैदिक युग के कुछ रिवर के नाम दिए हैं। और कुछ रिवर मतलब वैदिक एज की जो रिवर थी वैदिक समय में उसका जो नाम था वो दिया हुआ है, और प्रेजेंट टाइम में जो रिवर का नाम है वो दिया हुआ है। इन दोनों को मैच करके आपको बताना है कि क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। फटाफट आप लोग सेशन को शेयर करिए और आंसर करिए कि क्या आंसर करेक्ट हो रहा है। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें और आंसर करते रहें, और आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग बनाते हैं। देखिए अगर कुभा की बात करें तो कुभा रिवर कौन सी थी, काबुल रिवर को ही कुभा रिवर कहा जाता था उस समय। राबी रिवर को उस समय किस नाम से, परुशनी नदी के नाम से जाना जाता था। सदा नीरा को उस समय गंडक के नाम से जाना जाता था।
सतलज को उस समय सतुर्दी के नाम से जाना जाता था, मतलब वैदिक एज में। तो अगर आप मैच कराएंगे तो पहले का दूसरा आपको मैच कराना है। पहले का दूसरा किस में दिया है? बी विकल्प में दिया है। अगर एक भी आपको आता है तो फट से आप आंसर करेक्ट कर ले जाएंगे, यानी बी आंसर आपका करेक्ट होगा। यहां देखिएगा, परुष्णी या रावी नदी के किनारे ही, रावी नदी के किनारे ही एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था टेन किंग्स वार। याद आ रहा है आपको, टेन किंग्स वार, या इसी को कहा जाता है दास राज युद्ध। क्या कहा जाता है? दास राज युद्ध हुआ था, दास राज युद्ध हुआ था, जो कि किसके बीच हुआ था? सुदास युम दस जनों के बीच हुआ था। सुदास युम दस जनों के बीच हुआ था। सुदास और दस जनों की क्या था? दस जन एक कबीला था। सुदास और दस जनों के बीच क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। तो टेन किंग्स वार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि दास राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, क्योंकि परुष्णी को ही आज किस नाम से? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आप शायद इस क्वेश्चन का भी निकाल पाए होंगे, बी आंसर आपका क्या होगा? बी आंसर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। कह रहा है पुड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? फटाफट आप लोग कमेंट करके आंसर करिएगा। और ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है? देखते ही आपको आंसर करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन हमने लिए हैं जो 2012 में पूछे गए हैं। एक दिन हमने आपको 20 क्वेश्चन और करा रखा है और आज भी 20 क्वेश्चन की आपकी क्लास है। तो ध्यान रखना है, पुड्रवर्धन की अगर बात किया जाए, पुड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में क्या है? उत्तरी बंगाल में स्थित है। तो तीसरे का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करवाइए। पर डे बेसिस पर देखिए, यहाँ दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास 11:15 पे आपकी, 11:15 AM पे आपकी हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 7:30 पर आपकी क्लास होती है, यहाँ आपको हिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ कंबाइन GS की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आज जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो पर डे कोई ना कोई क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने क्या किया था, जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? चंद्रप्रभु सूरी थे, हरविजय सूरी थे, पुष्पदंत थे या यशोभद्र थे? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप अकबर को आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अकबर के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक है भाई? 1556 से लेकर 1605 तक का जो टाइम पीरियड लगता है, ये किसका टाइम पीरियड है? ये अकबर का क्या है? ये अकबर का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? बी आंसर करेक्ट होगा। हरविजय सूरी जो कि जैन आचार्य थे, उनको क्या किया था? उनको अकबर ने सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर ले जाएंगे। कह रहा है कि लंदन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वो किसके समय में हुई थी, या उस समय भारत में कौन बादशाह था या कौन शासक था? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा। मेडिवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है तो आपको आंसर करना चाहिए, और हमें लगता है कि आप बेटर आंसर इसका निकाल भी पाएंगे। अकबर, बिल्कुल आंसर भी आपका आ रहा है अकबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 1600 AD में। और आप देखें अकबर का जो टाइम पीरियड है, अभी हमने देखा 1556 से लेकर कब तक है? 1605 तक है। तो 1600 में भारत में कौन शासन कर रहा था? अकबर। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ए आंसर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग सेशन को आपको शेयर करना है, जितने भी लोग हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि भारत के अधिकांश जो प्राकृतिक गैस के उत्पादक निम्न में से कहां से किया जाता है? भारत में अधिकांशता जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो कहां से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से किया जाता है, गुजरात तट से किया जाता है, बॉम्बे हाई से किया जाता है, या तमिलनाडु तट से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो आप फट से आंसर दे के निकल जाएंगे, नहीं तो इतने आप टाइम लगाते ही रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप ये देखिएगा, आप कभी भी UPPCS का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो 50% क्वेश्चन तो आप देखते ही क्या होंगे, देखते ही कर जाएंगे। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 50% क्वेश्चन ही हमें पढ़ के क्या करने होते हैं, 50% क्वेश्चन ही हमें पढ़ के
आंसर निकालने होते हैं। अगर आप बेहतर स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, भले ही बहुत लोग कहते हैं कि रिपीट नहीं होता, लेकिन किसी न किसी रूप में वो क्वेश्चन रिपीट करके आपसे पूछा जाता है। यहाँ जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आपका क्या होगा, सी आंसर आपका करेक्ट बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर आपका करेक्ट बनेगा। कहने का मतलब ये है कि बॉम्बे हाई से क्या किया जाता है, बॉम्बे हाई से भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी की बात कर रहा है, ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी आपके सामने दे रखा है, मन्नार की खाड़ी दे रखा है, खंभात की खाड़ी दे रखा है और कक्ष की खाड़ी दे रखा है। इसमें से क्या आंसर आपका करेक्ट होगा, आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, और रेगुलर बेसिस पर आपकी जो क्लासेस होती हैं आप ज्वाइन करिए। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, जिससे आप टाइम से जब भी क्लास लगे तो आप वहां पहुंच पाए। यहां देखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका खंभात की खाड़ी हो जाएगा, यानी 7 का भी आंसर आपका क्या होगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर जो ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहाँ से किया जाता है, खंभात की खाड़ी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, देखिएगा फिर से एक सूची मिलाने को आ गया आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। खनन क्षेत्र दिया हुआ है और इसके साथ साथ इसके कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है अधिवेशन स्थल, इसको आप लिख सकते हैं, जो आपके मिनरल्स हैं या खनिज दिए हुए हैं, खनिज दिए हुए हैं, इनके साथ आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, अगर एक दो भी आपको आ रहे होते हैं तो मैच करके आप आंसर निकाल ले जाते हैं, ठीक है, मैच करके आप आंसर निकाल ले जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आप यूपीपीसीएस में देखेंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन, तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको मैचिंग के रहते हैं, कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको मैच करने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जादूगुड़ा पता है तो जादूगुड़ा किसके लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तो देखिए सी का दूसरा आंसर है, तो इसमें देखिए सी में दूसरा कहाँ दिया है, ये दिया है, और किसी विकल्प में दिया ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये भी पता होता तो आप आंसर कर ले जाते। इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा ए का तीसरा हो जाएगा, गुर महसानी की बात करें, गुर महसानी किसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें ये तलचर किसके लिए जाना जाता है, तो आपको तालचेर की बात करें तो आपका ये हो जाएगा कोयला के लिए जाना जाता है। और जावर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तब आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्र किसके लिए, सीसा के लिए क्या होता है, सीसा के लिए जाना जाता है। तो जावर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, सीसा के लिए। तो इस तरह से अगर आप मैच कराएंगे तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन पूरी तरह से राइट आंसर बनेगा, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक भी करना है, सभी को लाइक भी करना है, लाइक कर दीजिए। कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका मैंने एक कोड भी आप लोगों को बता रखा है जिन्होंने हमसे पढ़ा होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको आंसर करना है, इसका आंसर क्या करेक्ट हो रहा है। अनाई मुडी होगी, दोदाबेट्टा होगा, महेंद्रगिरी होगी या धूपगढ़ होगा, आंसर करिएगा इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में और कई बार ये पूछा है, तो आपको एक कोड याद रखना है, जब भी पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया के बारे में जब भी पूछा जाए, तब आपको एक कोड याद रखना है, अन्ना दादा, क्या याद रखना है, अन्ना दादा। अन्ना मीन्स क्या हो जाएगा, अनाई मुडी, क्या हो जाएगा, अनाई मुडी, अनाई मुडी हो जाएगा। और दादा मीन्स क्या हो जाएगा, दोदाबेट्टा, क्या हो जाएगा, दोदाबेट्टा, ठीक है, अनाई मुडी हो जाएगा और दोदाबेट्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अनाई मुडी की, तो अनाई मुडी कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है। और अगर दोदाबेट्टा की बात किया जाए, तो दोदाबेट्टा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और आप कोड क्रम से याद रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाई मुडी, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। और यहाँ अगर हम इसकी हाइट की बात करें, अनाई मुडी की हाइट की बात करें, तो इसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है। और इसकी अगर दोदाबेट्टा की हाइट की बात करें, तो 2637 मीटर, या कहीं कहीं 2635 भी लिखा रहता है, तो इसकी हाइट है। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाई मुडी हो जाएगा। तो आंसर आपका ए सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ट्राइब्स दी हैं और ट्राइब्स की प्लेसेस आपको दिए हैं, उसमें से कौन सा मैच नहीं है वो आपको कमेंट करके बताना है।
फुलानी ट्राइब्स दिया हुआ है पश्चिमी अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती, बंतू ट्राइब्स सहारा में पाई जाती, मसाई ट्राइब्स पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती, नूबट सूडान में पाई जाती। कमेंट करके आपको आंसर करना है क्या आंसर सही होगा, ठीक है? कमेंट करके आप फटाफट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या करेक्ट होगा। सभी लोगों को सेशन को शेयर करना है, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को सेशन आपको शेयर करना है, और पर डे बेसिस पर आपको कम से कम 2-4 स्टूडेंट को अपने साथ लेके आना, ठीक है? सेशन रेगुलर चलेगा, क्वेश्चंस बेहतर रहेंगे, पूरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, उनमें क्वेश्चंस जो हैं पूरी तरह से फंसे, इस तरह के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो या कोई अदर एग्जाम दे रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका बी आंसर करेक्ट होगा, बंतू ट्राइब्स सहारा दिया है, ये सुमेलित नहीं है। फुलानी ट्राइब्स पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती, सही है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, विशेषकर ये केन्या में पाई जाती है, ठीक है। नूबा सूडान में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, तो साउथ अफ्रीका में अगर आप ट्राइब्स देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में दो ट्राइब्स आपको मिलेगी। एक तो जुलू ट्राइब्स है, जुलू ट्राइब्स, जुलू यहाँ ला लिखना है आपको, जुलू ट्राइब्स, चलिए मैं लिख देता हूँ, जुलू ट्राइब्स, और दूसरी आपको मिलेगी बोअर ट्राइब्स। तो जुलू और बोअर ट्राइब्स, ये दोनों ट्राइब भी कहाँ पाई जाती हैं, ये दोनों ट्राइब्स भी आपको साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह अपना आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो बी आंसर क्या है, बी आंसर अपना करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, यानी संसद किसके किसके मिलने से बनती है, संसद किसके किसके मिलने से बनती है। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, संसद के अंग की बात कर रहा है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, या संसद के अंग की बात कर रहा है कि संसद के कितने अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं। लोकसभा राज्यसभा पहले विकल्प में आपको दे रखा है, दूसरे विकल्प में आपको दे रखा है लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री दे रखा है, तीसरा विकल्प आपको दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा, चौथा विकल्प आपको दे रखा है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। सभी लोग सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए जितने भी लोग आए हैं, और आप लोग जुड़े रहिए डेली बेसिस क्लास में। अगर हम पार्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के तीन अंग है, कौन सा, एक लोकसभा है, दूसरा आपका राज्यसभा है, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका प्रेसिडेंट है। तो आप कह सकते हैं यहाँ आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति और दोनों सदन क्या हो जाएंगे, आंसर करेक्ट हो जाएंगे। किस आर्टिकल के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 52 के तहत भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग सेशन को शेयर करिए, और आर्टिकल 79 के तहत क्या होगी, आर्टिकल 79 के तहत भारत की एक संसद होगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि किस आर्टिकल के तहत भारत की एक लोकसभा होगी और किस आर्टिकल के तहत भारत की एक राज्यसभा होगी, फट से आप कमेंट करके आंसर करिए, तब तक हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती, किसके द्वारा बुलाई जाती, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा। संसद की संयुक्त बैठक का प्रोविजन, यानी ये ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की बात कर रहा है, ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट का जो प्रोविजन है वो किस में है, 108 में है। संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है, 108 में है, और ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट का प्रोविजन भारत ने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती, तब आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती। तो आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा 12 का ए आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्लासों में पढ़ाया जाता है, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो ये चीज जरूर बताएगा, बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप गलत ना करें, नहीं तो आप मेरिट से क्या हो जाते हैं, मेरिट से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, कह रहा है कि धन विधेयक को कहां पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करिएगा सभी लोग, सेशन को आपको शेयर करना है और साथ ही साथ आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेक्ट कर रहे हैं।
फटाफट आप लोग सेशन को शेयर करिए, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को आप लोग शेयर करिए, और डेली बेसिस पर आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आप ज्वाइन करें। धन विधेयक कहां पुनः स्थापित किया जाता है, लोकसभा में राज्यसभा में, तो इसका आंसर होगा, आप लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, इसका आंसर होगा 13 का ए आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा लोकसभा में। धन विधेयक और वित्त विधेयक को सबसे पहले कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और पुनः स्थापित भी कहां किया जाएगा, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे इसमें से जो कि ट्रेड यूनियन से क्या थे, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। बीबी गिरी थे, या संजीव रेड्डी थे, या के आर नारायण थे, या जाकिर हुसैन थे। इसका आंसर भी आप फटाफट करिए कि आंसर क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपका आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेक्ट कर रहे हैं, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ए आंसर बिल्कुल, ए आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है बीबी गिरी क्या है, बीबी गिरी ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि ट्रेड यूनियन या श्रमिक संगठन से क्या थे, श्रमिक संगठन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। जो चिपको आंदोलन था, चिपको मूवमेंट था, जिसके जनक किसे माना जाता है, जिसके फादर सर सुंदरलाल बहुगुड़ा को माना जाता है, सुंदरलाल बहुगुड़ा को माना जाता है, और उसी की बात कर रहा है। चिपको आंदोलन मुख्यतः या मूल रूप से किसके विरुद्ध था, जल प्रदूषण के विरुद्ध था, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध था, नॉइस पोल्यूशन के, या वाटर पोल्यूशन के, या वन की कटाई के विरुद्ध था, या सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध था। कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए, हमें लगता है आपका राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भी, है ना, इस क्वेश्चन का भी आप एकदम राइट आंसर करेंगे, तो कमेंट करके आप लोग आंसर करते रहिएगा। यहाँ आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आपका, वन की कटाई के विरुद्ध था, वनों को काटने से रोकने के लिए क्या किया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसके जनक सुंदरलाल बहुगुड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, कह रहा है इको मार्क उन भारतीय प्रोडक्ट को या उन भारतीय उत्पादों को मिलता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहारी हो। तो इको मार्क किन प्रोडक्ट्स को या किन भारतीय प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सेशन को आपको शेयर करना है और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन यूपीपीसीए 2012 2012 के क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आते रहते हैं। तो आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट्स जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा 16 का सी आंसर करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया था। सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, ब्राजील ने, यूएसए ने, भारत ने, या चीन ने। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां आपको पढ़ाया भी गया होगा। और जनरली ये क्वेश्चन का आंसर हमें दिमाग में नहीं आता और हम किसी दूसरी कंट्री को ही आंसर करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भारत है, और भारत में ही सबसे पहले परिवार नियोजन क्या किया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, यानी आंसर आपका ये करेक्ट होगा, और 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से, तो आंसर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज इतने ही क्वेश्चंस थे, 17 क्वेश्चंस थे आपके सामने, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल में आपको जाके लिखना है YAGYA यज्ञ सर लिखना है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है GS@HindiByYagya Sir के नाम से, HindiByYagya Sir के नाम से है, और YAGYA आप इसको क्या करें, आप इसको ज्वाइन कर लें, और डेली बेसिस पर आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, और आप ये बताइए कि किस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइए, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि ये जो सेशन चल रहा है आपको कैसा लग रहा है। जब भी अगर आप सेशन को देखें तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है,
थैंक यू सभी का, जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को थैंक यू।